नमस्कार। संस्कृत के किसी भी इंटरव्यू में अभ्यर्थी से कोई श्लोक सुनाने के लिए अवश्य कहा जाता है। जब भी आपसे यह प्रश्न कहा जाए तो आप श्लोक को छंद में अवश्य सुनाएं। मैं कुछ छंदों के लक्षण एवं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला छंद है अनुष्टुप छंद, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। उदाहरण है मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रांच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। दूसरा छंद है इंद्रवज्रा, इसको हम इस प्रकार गा सकते हैं। इसका लक्षण है स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग। उदाहरण है अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितो न्यास इवांतरात्मा। तीसरा छंद है उपेंद्र वज्रा, जिसका लक्षण इस प्रकार है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। इसका हम उदाहरण इस प्रकार गा सकते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चौथा छंद है उपजाति, जिसका लक्षण इस प्रकार है अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि उपजातयस्ता इत्थं किलान्या स्वपि मे श्रितासु स्मरन्ति जाति स्वदमेव नाम। उदाहरण है गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अगला छंद है वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। उदाहरण है गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जंबु फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। अगला छंद है द्रुत विलंबित, जिसका लक्षण इस प्रकार है द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। उदाहरण है नव पलाश पलाश वनम पुर सुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरै। अगला छंद है वसंत तिलका,
इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपगतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अगला छंद है मालिनी छंद, जिसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। उदाहरण है वयमिह परितुष्टा वल्कलै स्वं दुकूलै, समइह परितोषो नेरविशेषो विशेषः, सतु भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। धन्यवाद।